हेलो गाइस, वेलकम टू जीएमडी न्यूज। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के बाद के अपडेट, यानी कि फ्यूचर के अपडेट। और ये अपडेट कंफर्म करे हैं केविन फाइगी ने अपने दो दिन पहले इंटरव्यू में, तो जिसमें कि सबसे पहला अपडेट है मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मूवीज का। तो फाइनली मार्वल स्टूडियो 6 साल की मूवीज को ही अनाउंस करेगा, उसके बाद की मूवी को अनाउंस नहीं करेगा। देन जो मूवी अनाउंस होंगी वो आधे से ज्यादा स्पाइडरमैन से पहले अनाउंस हो जाएंगी, यानी कि डिज्नी एक्सपो में। देन उसके बाद केविन फाइगी ने एक और चीज कंफर्म कर दी है रूमर के हिसाब से कि ब्लैक विडो अपकमिंग जो मूवी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, वो आर रेटेड नहीं हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आर रेटेड मूवी नहीं बनाता, पर अभी रूमर है, अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। देन केविन फाइगी ने ये भी कंफर्म करा कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की स्क्रिप्ट यूज करी जाएगी, वो भी जेम्स गन वाली। जी हाँ, तो यानी कि मूवी में ट्विस्ट जेम्स गन का 100% रहेगा। देन उसके बाद गुनीत पैत्रो ने कंफर्म करा कि जिस मूवी में रॉबर्ट डॉनी जूनियर रहेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, उस मूवी में मैं 100% रहूंगी। ये उनका खुद ऑफिशियल कंफर्मेशन था। देन अगला अपडेट है कैप्टन मार्वल का। तो फाइनली जेडी लॉ का रोल कंफर्म हो चुका है, वो है योंग रोक का, जो कि एक विलेन है जो कि कैप्टन मार्वल से लड़ेगा। तो कैसा लगा अपडेट और कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देखो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।